एक बैंक का एक टॉप लेवल का कार्ड रहता है। अब भाई उस टॉप लेवल के कार्ड को लेने के लिए, वो भी बिना इनकम प्रूफ के, आपको कोई भी आईडीआर नहीं देना है, कोई सैलरी स्लिप नहीं देना है, फिर भी आपको टॉप लेवल का क्रेडिट कार्ड चाहिए, कैसे मिलेगा? आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी को नई वीडियो में। किसी भी बैंक के टॉप लेवल के क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको उस बैंक की पहले ये वाली उंगली पकड़नी पड़ती है, कैसे? वो भी बिना इनकम प्रूफ के। देखो, बिना इनकम प्रूफ के, बिना आईटीआर, बिना किसी सैलरी स्लिप के, बिना किसी ऐसी, मतलब सिर्फ सिविल के बेस पर, अगर आपके पास सिर्फ सिविल है, सिर्फ सिविल के बेस पर हम किसी भी बैंक के टॉप लेवल के क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। सबसे पहले देखो आपको करना क्या होता है, किसी भी बैंक के एक ऐसे कार्ड को लेना पड़ता है जो इंस्टेंट आपको मिल जाता है, बिना किसी, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। हर एक बैंक का एक ऐसा कार्ड रहता है कि आपको बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ में वो कार्ड बैंक आपको जनरेट कर देता है, कम से कम सिविल स्कोर के बेस पर भी। उसके बाद मतलब ये ऐसा होगा कि बैंक की पहले ये वाली उंगली पकड़ो, उसके बाद ये, फिर उसके बाद मतलब एक बड़े साइड में जाओ। तो हमें भी मतलब ऐसे ही करना होता है। जैसे एक्सिस बैंक का है या फिर SBI का है, HDFC का है, इनकी सबसे पहले ऐसे क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करो, और हो सके तो एजेंट के माध्यम से अप्लाई करना है, थोड़ा जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा, थोड़ा वो जुगाड़ भी आपको कर देते हैं। हर एक बैंक का एक ऐसा कार्ड है, जैसे कि एक्सिस बैंक का है माइजोन क्रेडिट कार्ड, जल्दी भी ये मिल जाता है, कम सिविल के बेस पर भी आपको ये कार्ड मिल जाता है। SBI का सिंपली क्लिक है, वो भी लगभग हर एक बंदे के पास में ये कार्ड रहता है, उसके बाद में दूसरे कार्ड लोग लेते हैं। और जैसे कि HDFC का मनी वे क्रेडिट कार्ड है, और भी मतलब हर एक बैंक का एक कम से कम लो कैटेगरी वाला एक क्रेडिट कार्ड रहता है। तो वो कार्ड आपको अगर एक बार मिल जाए तो आप बैंक के टॉप लेवल के क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो बड़े ही आसानी से, वो भी बिना इनकम प्रूफ के, कार्ड के बेस के ऊपर। सबसे पहले आपको किसी भी बैंक के एक लो या थर्ड क्लास के क्रेडिट कार्ड को, जो कम से कम रिक्वायरमेंट के साथ में अप्रूवल आपको मिल जाए, वो कार्ड लेना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको 2 से 3 महीने, 6 महीने हो जाने के बाद आप उसी बैंक के नए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको उसका इंस्टेंट अप्रूवल देखने को मिल जाएगा। कई केसेस में 1 साल तक का समय लगता है, 1 साल के बाद में हमें उसी बैंक का दूसरा या टॉप लेवल का कार्ड हमें लेना चाहिए या फिर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बैंक तुरंत आपके ऊपर भरोसा नहीं करता है अपना टॉप लेवल के क्रेडिट कार्ड को देकर, तो हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिना इनकम प्रूफ के, बिना सैलरी, बिना कुछ नहीं देना, सिर्फ सिविल की बेस पर आपको बैंक का टॉप लेवल का क्रेडिट कार्ड बैंक खुद आपको दे देता है। तो मतलब इस तरीके से आप थोड़ा ट्रिक खेल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को, मेरे पास में भी कोई इनकम प्रूफ नहीं है, कोई सैलरी स्लिप कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास में लगभग हर एक बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है, और मैं कुछ जुगाड़ अपने आतरे पैंतरे लगाता हूँ, उसके बाद अभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड को ले लेता हूँ। क्योंकि हर एक बैंक का जो कार्ड रहता है उसके अंदर कुछ ना कुछ फीचर रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑफर्स रहते हैं। हर एक बैंक खुद, हमें कुछ ना कुछ खरीदना होता है फ्लिपकार्ट के ऊपर में, तो वहाँ पर भी कई बार किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को भाई बोला जाता है इस कार्ड के ऊपर इतना ऑफर है। तो मतलब अलग अलग बैंकों के कार्ड, और वो भी लाइफ टाइम फ्री अगर आपको किसी भी बैंक का कार्ड मिल जाए। लगभग हर एक बैंक का कोई ना कोई ऐसा कार्ड है जो लाइफ टाइम फ्री है, अगर वो कार्ड आपको एक बार मिल जाए तो यार मतलब 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि फिर लाइफ टाइम फ्री है, आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से भाई थोड़ा अपना आतरे पैतरे लगा सकते हैं और भाई बैंक का कार्ड ले सकते हैं। हर बैंक का एक ऐसा कार्ड है जो कि मतलब लो कैटेगरी का है, वो हर एक कस्टमर के लिए जनरेट किया जाता है बैंकों के द्वारा, बिल्कुल कम से कम रिक्वायरमेंट के साथ में। तो आप मतलब इस तरीके से चीज़ें देख सकते हैं। किसी भी बैंक के कार्ड को देखो, अगर मैं बात करूँ HDFC की, तो आप अगर आप जाओगे HDFC की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर भी बिजनेस मनी बैग को आप अगर एजेंट के माध्यम से अगर अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा और आपको कार्ड भी मिल जाएगा। तो बिजनेस मनी बैग कार्ड के बाद में आपको और भी बहुत सारे यहाँ पर प्री अप्रूव्ड कार्ड देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे आप अपने जो HDFC का मिलेनियम कार्ड है ना, जो टॉप लेवल का, उसको आप ले सकते हो। SBI का सिंपली क्लिक लेने के बाद, एक उसके बाद यूज़ करने के बाद आप SBI के कैसे कार्ड को ले सकते हो।
एक्सिस बैंक की आप माइजून कार्ड को लेने के बाद में आप कुछ दिनों बाद एक्सिस की फ्लिपकार्ट के कार्ड को ले सकते हो। आपको यहाँ पर रिजेक्ट आपकी एप्लीकेशन को नहीं किया जाएगा। और एक्सिस बैंक के अंदर तो और ज़्यादा सहूलियत होती है कि उनके मोबाइल ऐप के अंदर ये इतने अच्छे फीचर हैं कि हमारे पास अगर एक कार्ड है तो उसी के बिहार पर हमें फ्लिपकार्ट का कार्ड मिल जाता है। मतलब और भी ऐसी बैंकें हैं जो हर एक बैंक जैसे IDFC का है, IDFC का कोई भी कार्ड आपको अगर मिल जाता है तो उसके बाद में वैसे तो IDFC के अंदर तो हर एक कार्ड मतलब अच्छा है और लाइफ टाइम फ्री है। जैसे कि मिलेनिया हो गया तो उसको भी आप ले सकते हो। बाकी और भी बैंकें हैं, सबके अलग अलग कार्ड्स हैं, उनको आप दे दिए आप उनको टॉप लेवल के कार्ड ले सकते हो लाइफ टाइम फ्री के साथ में या फिर जूनियर या फिर फीस के साथ में। देखो यार कार्ड मिलना चाहिए, 5% का कैशबैक हमें मिल रहा है HDFC के मिलेनिया, SBI के कैशबैक और फ्लिपकार्ट और अमेजोन के कार्ड पर। तो मतलब ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ती है, थोड़ा आंद्रे मेरे अपनी लगान। अब देखो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है और आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो यार देखो देना पड़ेगा बैंकों के लिए। चाहे आप अपने आपके पास किसी बैंक का आपको कार्ड चाहिए तो उनका आपको आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट है तो उसके बिहार पर भी कई बार हमें यार देखो बैंक कई बार प्री अप्रूव्ड के नाम पर आपको क्रेडिट कार्ड दे देती है, क्योंकि बैंक खुद देखती है कि सबसे पहले तो आपका और बैंक का कोई रिलेशन है या नहीं है, कोई कार्ड आपके पास बैंक का पहले से है, कोई बैंक अकाउंट आपका उनके साथ पहले से है, या फिर आपका सिविल फिर 800 से ऊपर होना चाहिए तो आपको इंस्टेंट कार्ड दे दिया जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ बैंकों को भी आपको अपना मतलब एलिजिबिलिटी को दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं आपके बैंक के कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल हूँ। अब आप तो वैसे ही एकदम भिकमंगे मतलब भिकमंगा पानी है क्योंकि आपके पास ना तो सैलरी से फिर ना तो ITR है। अगर आप फिर भी कार्ड की उम्मीद रखते हो कि कार्ड मिल जाए तो थोड़ा यार आपको अपना थोड़ा इसको तो यूज़ करना पड़ेगा कार्ड को लेने के लिए। वो कार्ड मिल जाता है भाई, मैंने खुद देखा, मेरे पास कुछ नहीं था। एक्सिस बैंक में फ्लिपकार्ट कार्ड को मैंने डायरेक्ट मैंने अप्लाई किया था, 4 से 5 बार रिजेक्ट किया था पहले। फिर मैंने माइजोन कार्ड को लिया, उसके बाद मुझे उसी के बिहार पर फ्लिपकार्ट का कार्ड मिला, उसके बाद न्यू लाइफ टाइम फ्री कार्ड मुझे मिला रुपये वाला। तो भाई कार्ड को लेने के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कार्ड मिल जाएगा और हर एक बैंक का टॉप लेवल का कार्ड आपको दे दिया जाएगा। तो ये है एक छोटी सी और इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो भाई लाइक कर देना है एक, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और गुड बाय। थैंक यू, हम मिलते हैं किसी और एकदम ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो के साथ में। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।